तो दोस्तों चूंकि हम लखनऊ में आए थे और हमें किसी ने बताया कि 1090 चौराहे पर जरूर जाइए होगा, वहाँ पर एक चटोली करी है जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, मेला जैसा वहाँ पर लगता है। कि पहुँच गए 1090 चौराहे पर, आप देख सकते हैं 1090 चौराहे पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं और इस पर जो जा रहा है चटोली गली की तरफ जा रहा है और सामने आप देख सकते हैं नगर निगम का बोर्ड भी। भाई आप लखनऊ में हैं तो हम चटोली की तरफ आपको लेकर चलते हैं। और हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में हम तो अपना काम कर जा ही रहे थे, लोकल कारोबार की हम वीडियोस बनाकर जा रहे थे। किसी ने बताया कि भाई 1090 अगर आप शाम को रुके और 1090 आपने देखा तो आप लखनऊ क्यों आए थे, 1090 पर आप चले जाइए, वहाँ पर एक चटोली गली है वहाँ पर चले जाइए। और लोकल कारोबार की अगर बात करें तो यहाँ पर लोकल कारोबार ही है, छोटे छोटे लोगों ने यहाँ पर छोटे छोटे ठेले लगा रखे हैं और उसे कारोबार अपना यहाँ पर कर रहे हैं। चटोली गली यहाँ पर आप देख तो यहाँ पर लगा हुआ है, तो अगर आप लखनऊ आते हैं और शाम को रुकते हैं तो एक बार चटोली गली घूमना बनता है। तो भैया अब हम चल रहे हैं चटोली गली की तरफ और आपको दिखाते हैं किस तरीके के यहाँ पर ठेले खड़े हुए हैं, तरीके के आइटम्स। अभी हम मजे हैं, कोल्ड ड्रिंक की बात करें, आइसक्रीम की बात करें, चाट पकौड़े की बात करें, लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। वेस्टर्न अगर आप बात करें उसका और देसी खाने की बात करें सभी कुछ यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग तरीके की चाप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, फ्रेंच फ्राइज मुझे ठेले दिखाई दे रहे हैं, मोमोज मुझे दिखाई दे रहे हैं। वाह यार मुझे पानी आ रहा है देखकर, इतनी बढ़िया गली है ये, हर तरीके फूड का जो है। अगर आप आते हैं और यहाँ पर आने के बाद घूमना चाहते हैं तो एक बार चटोरी गली में ज़रूर आ जाइए और यहाँ पर आकर देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर ठेले वालों ने अपने छोटे छोटे कारोबार यहाँ लगा। तो हमारा जो लोकल कारोबार किसी बड़े को ही प्रमोट करना नहीं है, हम सभी लोगों को करते, तो हमने जब देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे लोगों ने अपने ठेले लगा रखा कारोबार कर रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना इन लोगों तक भी पहुँचा जाए, इनको भी दिखाया जाए और आपको बताया जाए कि आपको एंजॉयमेंट करना है अगर आप लखनऊ में हैं तो शाम को एक बार चटोली गली में आकर देख जरूर सकते हैं। तो आपको एक बार फिर बता देते कि 1090 जो चौराहा है और 1090 चौराहे पर जब आप आ जाते हैं उस तरफ से चटोली गली के नाम से मशहूर गली और काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर रहती है, मेले ऐसा माहौल यहाँ पर है बहुत ज़्यादा। मुझे तो मज़ा आ रहा है भाई, लखनऊ आया यहाँ पर घूमने मिला, लोगों ने मुझे बताया, देख लीजिए पीछे आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी, वाह यार मज़ा आ गया घूमकर। यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, देख कर ही मुझे पानी आ रहा है। एक बार अगर लखनऊ आते हैं तो घूमना बनता है भाई। यहाँ पर हम चटोरी गली से बाहर आ चुके हैं और अब हम पहुँच गए हैं 1090 चौराहे पर, वहाँ पर हम खड़े हैं और हम चलने वाले अपने घर के लिए क्योंकि लखनऊ को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। लेकिन उससे पहले, अलविदा कहने से पहले, मैं अपने सब्सक्राइबर्स से और अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक दीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोज़ में कोई भी बात अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जिस तरीके भी, तो आप उसे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमने जो चटोरी गली आपको दिखाई है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है या इसके बारे में राय जो है आप अपनी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ज़रूर दीजिएगा। तो अब लखनऊ को अलविदा का कहने का टाइम आ चुका है और अब लखनऊ से चलने वाले हैं, तो बाय बाय लखनऊ।